नमस्कार, जय हिंद। मैं बीएस दांगी सत्यदेव शर्मा क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यहां पर संधि प्रकरण या संधि वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। मैंने संधि में आपको दीर्घ संधि के बारे में व्यवस्थित रूप से काफ़ी कुछ बताया था। हमने पढ़ा था कि जब भी आ या आ के बाद आ या आ आता है तो वहाँ पर बड़ा आ बन जाता है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो बड़ी ई बन जाती है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। इसी प्रकार ऋषि के बाद ऋषि आने पर ऋषि बन जाता है, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे संधि नंबर 2, स्वर संधि का दूसरा भेद, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि दोस्तों, गुण स्वर संधि की हम बात कर रहे हैं। अब क्या है गुण स्वर संधि, यह हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। कई बच्चों की डिमांड काफ़ी दिनों से चल रही थी कि संधि वाला टॉपिक जो स्टार्ट कर दीजिए, इसीलिए मैंने संधि यहाँ पर स्टार्ट किया है। और हमने दीर्घ संधि को पढ़ने के बाद आज हम बात करेंगे गुण स्वर संधि। इस संधि को पढ़े उससे पहले आपको कुछ बातें बताना जरूरी है। बातें ये है कि संधि पढ़ने के लिए जो पिछली हमने जो भी बातें जानी है उनको अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। अगर आपने पहले पढ़ी हुई बातों को सही से याद नहीं किया है तो हमारे भूलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको गुण स्वर संधि पढ़ने से पहले दीर्घ स्वर संधि वाला वीडियो देखना है, उसे समझना है, उसके बाद हम गुण स्वर संधि को व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते गुण स्वर संधि, यहाँ पर जो होगा, मैंने पहचान बताई थी आपको, ए ओ और अर वाली कंडीशन बनती है। देखिए क्या बनता, हिंदी में कंडीशन के अनुसार बात करें तो यहां पर होगा कि आ या आ के बाद अगर ई या ई आ जाए तो परिवर्तन ए में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो परिवर्तन ए में हो जाता है। इसी प्रकार आ या आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो परिवर्तन ओ में हो जाता है। इसी प्रकार आ या आ के बाद अगर ऋषि आता है तो परिवर्तन अर में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा आपको, ये कंडीशंस होती हैं गुण स्वर संधि की, और यही है आपकी गुण स्वर संधि। एक बार इसको थोड़ा थोड़ा करके आप समझेंगे, ध्यान देंगे पूरी तरह से। तीन कंडीशन बनी है, देखिए स्ट्रक्चर क्या बने, स्टेप में तीन स्टेप बनेगी। पहली है आ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए बनता है, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ बनता है, आ या आ के बाद ऋषि आता है तो अर बनता है। तो इस तरह से इसमें कुल स्टेप जो है वो कितनी है, तीन है। हम यहाँ पर एक एक स्टेप को व्यवस्थित रूप से समझेंगे और कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कौन सी है आपकी, आ या आ के बाद ई या ई आने पर क्या बनता है, यह बनता है आपका ए। आ या आ के बाद ई या ई के आने पर बनता है आपका ए। जी हाँ दोस्तों, एक एक उदाहरण से हम समझते हैं। सबसे पहले मैं यहां से लेता हूं, मैंने लिया यहां पर देव, देव धन लिखा मैंने इंद्र। संधि के लिए मैंने दो बातें आपको बताई थी कि दो बातें आपको याद रखना है। पहली तो ये कि दोनों भाग का कोई ना कोई अर्थ निकलना जरूरी है, दोनों भाग का कोई ना कोई अर्थ निकलना ही चाहिए। पहला है देव, दूसरा है यहाँ पर इंद्र। तो यहाँ पर देखिए, देव मतलब देवता होते हैं, इंद्र मतलब राजा होता है। संधि करते समय आप ये तरीका अपनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से संधि याद होगी। देव के अंत में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर आ और यहाँ पर दिखाई दे रहा ई। जब आ और ई मिलते हैं तो क्या बनेगा, ए। क्या बन जाता है, ए। आ और ई के मिलने से बनता है ए, और यहां से शब्द बन जाएगा हमारा देवेंद्र। देवेंद्र का अर्थ होता है देवताओं का राजा, इंद्र का मतलब है राजा, ये बन गया देवेंद्र। तो दोस्तों आ मिला जब ई से तो बन क्या गया है, ए। यहां देख लेते हैं आगे, मैंने लिखा यहां पर रमा, रमा धन लिखा मैंने ईश। रमा यानी लक्ष्मी होता है, रमा के अंत में आ रहा है बड़ा आ और यहां पर आई बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए। और जब ए बना तो शब्द क्या हो जाएगा, रमेश।
ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। रमाधन ईश बराबर रमेश, सुरधन ईश बराबर सुरेश, गणधन ईश बराबर गणेश। यहां पर और भी बना सकते हैं, महाकाल धन ईश्वर बराबर महाकालेश्वर, ओमकार धन ईश्वर बराबर ओमकारेश्वर, नाग धन ईश्वर बराबर नागेश्वर। इस तरह से जितने भी ज्योतिर्लिंग के नाम है वहां भी इस तरह से बनता है। पीपल धन ईश्वर बराबर पीपलेश्वर, केवड़ा धन ईश्वर बराबर केवड़ेश्वर, नीम धनेश्वर बराबर निमेश्वर। तो ये ऐसे शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र, धर्म धन इंद्र बराबर धर्मेंद्र, जीत धन इंद्र बराबर जितेंद्र। ये सभी ऐसे ही बनते हैं। दोस्तों यहां पर रमा धन ईशम पढ़ चुके हैं, इसके बाद कुछ और थोड़े डिफरेंट टाइप के देखते हैं हम। इतर धन इतर देखते हैं, इतर धन इतर, इतर धन इतर, इतर धन इतर, इतर है ना होता दूसरा, इससे बाहर इससे अलग। यहां पर एक छोटा आ, यहां पर ई, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, आ और ई मिलके बन गया ए। ये क्या हो गया, इतरेतर, इतरेतर यानी उससे भी बाहर, इतरेतर। ये क्या बन जाएगा, इतरेतर। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जो आप बना सकते हैं। धर्म धनेन्द्र का क्या बन जाएगा, धर्मेंद्र। जीत धनेन्द्र का जितेंद्र। और क्या बनाएंगे हम, ईश वाले तो बहुत सारे हमारे पास है ही, नर धन ईश का नरेश हो जाएगा। एक और देखिए, यहां पर मैंने लिखा है, एक और उदाहरण लिखता हूं मैं, नाग धन ईश, नाग धन ईश। तो यहां पर क्या बनेगा, छोटा आ मिलेगा जब बड़ी ई से, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए, और ये हो जाएगा आपका नागेश, नागेश। तो दोस्तों यह है आपकी गुण स्वर संधि की पहली स्टेप। मैंने चार स्टेप में इसको अलग अलग लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं, और कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर गुण स्वर संधि, उसकी हमने पहली स्टेप पढ़ी है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर दो की। स्टेप नंबर दो पर हम जाते हैं और आगे हम देखते हैं। दोस्तों स्टेप नंबर दो क्या है, स्टेप नंबर दो है हमारी आ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। यहां पर नंबर दो की मैं बात कर रहा हूं। नंबर दो पर क्या है, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो बनता है आपका ओ। ये कंडीशन नंबर दो है, स्टेप नंबर दो है। उदाहरण तो आपको मैंने जितने भी बोले वो लिख लेने हैं, मैं सारे उदाहरण यहाँ बोर्ड पर इतने नहीं लिख सकता। मैं उदाहरण बोले जैसे धर्मेंद्र जितेंद्र राघवेंद्र, ये सब आपको लिख लेना है ताकि उदाहरण आपके पास पर्याप्त हो जाए। दोस्तों यहां पर हम बात करें छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ओ। एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने नव धन उदय, नव धन उदय। यहां पर नव में जो आया है वो क्या है, छोटा आ है, और यहां पर ऊ में क्या आया, ये ऊ है, दोनों मिलके क्या बन गया, ओ है। अब ये दोनों मिलके बन जाएगा नवोदय, नवोदय। ये ओ बना कैसे बना, इसी तरह बना। इसी प्रकार सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय, इसी प्रकार महाधन उदय बराबर महोदय, इसी प्रकार कई प्रकार के शब्द बनते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख देता हूं मैं उदाहरण नंबर दो, माला धन उपमा, माला धन उपमा बराबर क्या बन जाएगा, यहां पर बड़ा अ लिया मैंने इस बार और ये लिखा छोटा ऊ, तो बन क्या जाएगा मालोपमा, ये बन जाएगा आपका मालोपमा। और मालोपमा क्या है दोस्तों, मालोपमा क्या है, एक अलंकार है। अगर आपको मालोपमा अलंकार का कोई उदाहरण पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और एक मालोपमा अलंकार का उदाहरण लिखकर आप बताइए। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने मालोपमा अलंकार के बारे में पता है और मालोपमा का एक उदाहरण लिखकर बता सकते हैं। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक मालोपमा अलंकार का उदाहरण लिखकर बताइए। जी हाँ दोस्तों, देखते कितने लोगों को आता है। आगे देखिए उदाहरण नंबर तीन, मैंने लिखा यहाँ पर अन्य, ये लिखा अन्य, धन लिखा मैंने उक्ति, तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, ये भी एक अलंकार है। यहां पर है छोटा आ, यहां पर है छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बन जाएगा अन्योक्ति, अन्योक्ति भी एक अलंकार है।
और आप में से कितने लोगों को अन्योक्ति का उदाहरण पता है, आप कमेंट में जाकर अन्योक्ति का एक उदाहरण छोटा से छोटा जो आपको आता हो लिख सकते हैं। अन्योक्ति हो गया। इसी प्रकार अतिशय धन उक्ति बराबर अतिशयोक्ति, इसी प्रकार माला धन उपमा की तरह क्या हो जाएगा, पूर्ण धन उपमा बराबर पूर्णोपमा, लुप्त धन उपमा बराबर लुप्तोपमा, महाधन उदय बराबर महोदय, महाधन उष्मा महोष्मा, पूर्ण धन उपमा पूर्णोपमा, गंगा धनुदे गंगोदे, चंद्र धनुदे चंद्रोदे, नरधन उत्तम नरोत्तम, सर्वधन उत्तम सर्वोत्तम, सर्वधन उपरी सर्वोपरि, पर धन उपकार, एक उदाहरण चौथा यहां ले लेता हूं मैं, पर धन उपकार बराबर क्या बन जाएगा, यहां पर लिखा छोटा आ, यहां पर लिखा छोटा उ, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए ओ, तो आपका क्या बनेगा पद यहां पर, परोपकार, परोपकार क्या बन जाएगा, परोपकार। दोस्तों यहां पर और कुछ उदाहरण हम मान लो लेना चाहे तो बन सकता है, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, गंगाधन उर्मी बराबर गंगोर्मी क्या बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं एक लेता हूं उदाहरण, गंगाधन उर्मी, ये लिखा मैंने गंगा, धन लिखा मैंने उर्मी, उर्मी यानी सभी को पता है क्या होता है, लहर, ये लिखा गंगा, यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा सॉरी ओ बना लेंगे, और ये हो जाएगा गंगोर्मी। गंगोर्मी का मतलब है गंगा की लहर। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ स्टेप जो हमने देखे गुण स्वर संधि के, और मैंने जो उदाहरण बोले हैं वो आपको क्या करना है, वो लिख लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाए। दोस्तों ये थी हमारी गुण स्वर संधि के दूसरी स्थिति, दूसरी स्टेप। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर तीन, स्टेप नंबर तीन जो कि हमारी आखिरी है और उसमें अधिकतर बच्चे उलझते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब आपको लगे ऐसा कि ये चीज़ बाद में आपको लिखने में मदद करेगी, समझने में मदद करेगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, गुण स्वर संधि की स्टेप नंबर तीन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर थोड़े से जो है कुछ बच्चे ज़्यादा उलझते हैं और उसको समझने में दिक्कत उनको आती है, तो ये हम यहाँ पर इसको देखते हैं। आ या आ के बाद अगर ऋषि आता है तो क्या बनता है, वो ऋषि बन जाता, सॉरी अर बन जाता है, क्या बन जाता है, अर बन जाता है, अर बन जाता है। आ या आ के बाद ऋषि आता है तो क्या बनता है, अर, और अर सीधा दिखाई नहीं देता, इसको समझना पड़ता है। जैसे यहां पर लिखेंगे हम ध्यान से, मैंने लिखा यहां पर देव लिखा और फिर लिखा मैंने ऋषि, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, देव और ऋषि दोनों हमने लिख दिया है। देव के अंत में क्या आ रहा है, पहले तो ये देखो, ये आया यहां पर अंत में आ, लेकिन ये आ किसके साथ जुड़ा हुआ था, ये भी देखिए, आ जुड़ा हुआ था वा में, वा और आ मिलके बन गया था वा। अब जब वा को हम अलग करेंगे तो वा कैसा रह जाएगा, आधा। ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम, वा और आ मिलके क्या बना था, वा पूरा। अब वा में से आ अलग गया और मिला किसके साथ, मिला वो ऋषि के साथ, और मिलकर क्या बनाया इसने, अर, क्या बनाया है, अर। अब जब इस स्थिति में हम थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वा और आ मिलके बना था वा, आ मिला ऋषि से बना दिया अर। अब इसको आप पुट कीजिए तो यहां जब आधा वा मिलेगा आ के साथ तो कैसा हो जाएगा, वापस पूरा, और आधा रा कहां जाएगा, फर्राटा बनेगा, ये क्या बन जाएगा, देवर्षि, क्या बन जाएगा, देवर्षि। ये उदाहरण नंबर एक आपका देखा। इसके कुछ और उदाहरण है ऐसे, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। एक ऋतु वाले भी बनते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा उदाहरण नंबर दो, ध्यान से देखिएगा, समझने वाला है ये भी, शीतधन ऋतु, शीतधन ऋतु, वापस वही कंडीशन बनेगी, हम क्या करेंगे, छोटा आ निकला यहां पर बाहर, किसके साथ था ये, ता के साथ, तो ता कैसा रह गया, आधा, ये मिलेगा किसके साथ, ऋषि के साथ, ऋषि के साथ मिलकर क्या बनाएगा, अर, क्या बनाया जाएगा, अर। अब जब इसको हम मिलाएंगे तो ता कैसा हो जाएगा यहां पूरा, और रा जाएगा फर्राटा बनकर, ये क्या बन जाएगा, शीतर्तु, शीतर्तु,
हेमंत दंत ऋतु में क्या हो जाएगा, हेमंत ऋतु। ग्रीष्म दंत ऋतु में क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। ये जो मैं उदाहरण बोल रहा हूं आपको लिखते रहना है, क्योंकि बोर्ड पर सारे उदाहरण हम नहीं लिखेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सप्त दंत ऋषि बराबर सप्तर्षि, महादंत ऋषि बराबर महर्षि, ग्रीष्म दंत ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु, सप्त दंत ऋतु बराबर सप्त ऋतु हो जाएगा, शीत दंत ऋतु बराबर शीत ऋतु। एक और है जो थोड़ा सा डाउट बनाता है, उसको ध्यान से समझेंगे। मैं लिख रहा हूं इसको यहां पर तीसरे को, वर्षा दंत ऋतु। इसमें अधिकतर बच्चे उलझते हैं और सही नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा पेचीदा उदाहरण है, इसको समझना पड़ेगा। वर्षा के अंत में देखिए, सबसे पहले कोई भी संधि कठिन नहीं होती है, कठिन होता है हमारा समझने का तरीका, हम थोड़ा सा लोड ले लेते हैं और दिक्कत कर देते हैं। वर्षा में देखो भाई, अंत में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बड़ा आ। ये बड़ा आ जब निकल गया तो वर्षा में क्या बच गया, आगे षटकोण बचा है, और वो कैसा बचा है, फर्राटा तो पहले से लगा था तो पहले लगा ही रहेगा, ये कैसा बच गया, आधा। कैसा बचेगा ये, आधा आधा। इस तरह की स्थिति दोनों को मिलाकर ये षटकोण बनेगा, आ की मात्रा वाला, तो ये आधा है। अब यहां से मिलाइए, ऋषि निकाल के लाइए, ऋषि जब निकाली तो आ हो या छोटा आ हो या बड़ा आ हो, जब ऋषि के साथ मिलता तो क्या बनाता है, अर। अर। अब राम देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, ये आधे षटकोण से मिलेगा तो इसको क्या कर देगा, पूरा। एक फर्राटा पहले लगा है और ये आधा रहा, किस पर फर्राटा बन जाएगा, ता पर। तो सिंपल सा क्या बनेगा, ये तो वर्ष पूरा हो गया और ता पर लग गया, तो क्या बन जाएगा, वर्ष ऋतु। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही डिफरेंट टाइप का लगता है कि ये फर्राटा क्यों लगा, ये तो पहले से लगा था, ये क्यों लगा, ये आधे रहा की वजह से लगा है। इस वाले उदाहरण को अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा जो सामान्य रूप था, ये हमने देखा, उसको समझा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि हम आगे इसको पढ़ सके समझ सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ये थी हमारी गुण स्वर संधि। अगर और कोई सा उदाहरण जो आपसे नहीं बन पा रहा है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नंबर तीसरी संधि जो हमारी यहां पर हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे, उसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। इस चैप्टर में या इस क्लास में आज हम दो संधि एक साथ पढ़ रहे हैं। पहली संधि हमारी कौन सी रहेगी, पहली संधि हमारी थी दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, और आज तीसरी हम पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, संधि नंबर तीन, सबसे आसान सबसे छोटी संधि है ये वृद्धि स्वर संधि, सिर्फ दो स्टेप इसमें बनती है। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि की हम बात करें तो वृद्धि स्वर संधि में आई और औ का निर्माण होता है और दो स्टेप बनती है जो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। पहले स्टेप क्या है, यदि आ या आ के बाद अगर ए या आई आता है तो क्या बनता है, आई। अगर दूसरी स्टेप में देखें तो आ या आ के बाद अगर ओ या औ आता है, ओ या औ आता है तो क्या बनता है, औ। सबसे पहली बात तो ये संधि पढ़ने के लिए आपको ये स्टेप जो है बिल्कुल रट जानी चाहिए। अगर आपको ये रट जाती है या समझ में आ जाती है तो आपको संधि से समझने में या संधि समझने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको पता ही नहीं है नियम, तो फिर संधि तो गलत आप करेंगे। तो दोस्तों, दो स्टेप है, यदि आ या आ के बाद ए या आई आता है तो आई बन जाता है। इसी प्रकार आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ बन जाता है। यहां हम लेंगे एक एक स्टेप को वापस से और समझेंगे। सबसे पहले स्टेप कौन सी है, आ या आ के बाद ए या आई आने पर क्या बन रहा है, आ या आ के बाद ए या आई आने पर क्या बन रहा है, आई। सिंपल सा एग्जांपल देखें, एक छोटा सा उदाहरण जो आप कई बार देख चुके हैं, ये लिखा मैंने एक, एक धन लिखा मैंने एक। ध्यान से देखिए, एक का मतलब तो एक होता है, सभी जानते हैं। तो एक के अंत में क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, एक के अंत में आ रहा है छोटा आ, यहां पर लिखा ए, जब आ के बाद आया ए तो क्या बन जाएगा, आई। क्या बन जाएगा, आई। आ के बाद ए आने पर क्या बन जाएगा, आई। और आई बना तो मात्रा का पर किसकी लग जाएगी, एक एक। एक एक मतलब हर एक, प्रत्येक बोल सकते हैं, एक एक।
एक एक, एक शब्द बना एक एक। सिंपल सा परिभाषा या सिंपल सी पहचान होती है कि यहां पर आपको अ की मात्रा या औ की मात्रा दिखाई देगी। तो एक एक शब्द में कौन सी संधि है, हम सभी जानते हैं वृद्धि स्वर संधि है। मान लो बड़ा आ के बाद अई आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा है एक सामान्य शब्द है, नंबर दो उदाहरण के हम ले लेते हैं, लिखा मैंने महा धन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, तो यहां पर क्या महेश्वर नहीं बनेगा, ये महेश्वर्य बनेगा। अगर महेश्वर होता तो कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। जबकि आई आया है तो यहां बड़ा आ है, बड़ा आ के बाद क्या है आई है, तो क्या बन जाएगा ये आई, और आई बना तो यहां पर क्या बन जाएगा महेश्वर्य, यहां पर महेश्वर्य। इसी प्रकार का एक उदाहरण और बनता है, जन धनेश्वर्य बराबर जनेश्वर्य, इस तरह के बनते हैं। एक और देखिए उदाहरण, यहां पर मैंने यहां लिखता हूं तीसरा उदाहरण, मैंने लिखा पुत्र धन एषणा, पुत्र धन एषणा, एषणा मतलब होता इच्छाएं, एषणा का मतलब होता इच्छा, पुत्र के अंत में आ रहा है छोटा आ, यहां पर है क्या ए, दोनों मिलके क्या बन जाएगा आई। दोस्तों अगर आप संधि इस तरह से लिखोगे तो आप संधि गलत नहीं करोगे और आप सीधे सीधे जोड़ देते हो, बना देते हो, मतलब वहां गलती होने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो पुत्र धन एषणा बराबर क्या बन जाएगा पुत्रेषणा, पुत्रेषणा मतलब पुत्र की इच्छा, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, कोई चाहता है कि उसे पुत्र हो, पुत्र हो, और कोई पुत्र की प्राप्ति हो, तो वहां पर क्या होगा पुत्रेषणा। सभी ऐषणाएं होती हैं, कोई विवाह धन एषणा तो विवाहेषणा, विवाह के बाद पुत्रेषणा, पुत्र के बाद वित्तेषणा, वित्त की प्राप्ति करना चाहता है कोई वित्तेषणा, कोई चाहता है कि कार हो, गाड़ी हो, या फिर कहें कि मकान हो खुद का, मतलब वो लोकेषणा, अर्थात ये एषणा शब्द होता है। आगे और देखें कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, मैंने लिखा जन धन एकता, जन धन एकता, जन धन एकता बराबर क्या बन जाएगा, यहां पर छोटा आ है, यहां पर ए है, ये दोनों मिलके क्या बन गए आई, और ये शब्द बन जाए जनेकता। जनेकता मतलब क्या होगा, लोगों की एकता, जनेकता क्या बन जाएगा ये जनेकता। एक उदाहरण और देखते हैं इसका, मत धनेक्य बराबर क्या बन जाएगा मतेक्य, मत धन एक के बराबर क्या बन जाएगा आपका मतेक्य। इसमें ध्यान से देखिए, एक के में मात्रा आई की आती है, मत धन एक यहां पर गलती बच्चे कर देते हैं, अगर आप ए लिखोगे तो संधि आपकी क्या हो जाएगी गलत, ये आई है, यहां पर है छोटा आ और यहां पर है क्या आई, दोनों मिलके क्या बन जाएगा आई, दोनों मिलके क्या बनेगा आई, और क्या हो जाएगा आपका ये मतेक्य। मतेक्य का मतलब क्या है, विचारों की एकता, विचारों की एकता क्या कहलाती है मतेक्य, मतेक्य कहलाता है। अर्थात जिसे कोरोना काल में लेकर हम सभी लोगों के विचारों में क्या एकता आई, और हम सभी ने मिलकर सरकार का साथ दिया, मतलब हमारे विचारों में क्या था मतेक्य था, क्या था मतेक्य। जन धन एक के बराबर जनेक्य, पुत्र धनेशना बराबर पुत्रेशना, लोक धनेशना बराबर लोकेशना, सदा धन एव बराबर सदैव, तथा धन एव बराबर तथैव। ये इसके कुछ और उदाहरण हैं जो मैंने बोले हैं, आपको लिख लेना है, वीडियो को रोककर या उसे आप समझकर इनको भी लिख सकते हैं, इसका आप करें स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम वृद्धि स्वर संधि की आखिरी स्टेप पर पहुंचेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ी वीडियो क्वालिटी में आपको सुधार देखने को मिला होगा, आवाज़ सही आ रही होगी। अगर आपको इस तरह की किसी प्रकार की अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आवाज़ सही आ रही है तो आप बिल्कुल बताएं, क्योंकि इस परिस्थिति में हम सब आपके साथ हैं, और इस कोरोना काल में हम कतई नहीं चाहते कि आपका किसी भी प्रकार से नुकसान हो, चाहे गर्मी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, हम आपके लिए तत्पर हैं, और परेशानी हम उठाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको परेशान हम नहीं देख सकते हैं, और आपके लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं। तो दोस्तों
आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट ही है जो हमारा मनोबल बढ़ाती है, आपका कमेंट ही है जो हमें दिखाता है कि आप किस तरह से हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपकी क्लास आपको कैसी लगी है, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है। दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि की हम आखिरी स्टेप की बात कर लेते हैं। वृद्धि स्वर संधि की आखिरी स्टेप क्या है कि यदि आ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ या औ आ जाए तो क्या बनता है, ओ या औ आ जाए तो बनता क्या है, औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है। वृद्धि स्वर संधि की आखिरी स्टेप पे हम पहुंचे हैं। वृद्धि स्वर संधि में अगर देख रहे हैं कि आ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो क्या बनता है, औ बनता है। जी हाँ दोस्तों, औ बनता है। गर्मी में भी सब कुछ बनता है, सीधी सी बात यह है। तो परेशानी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ये भी हमें कोई समस्या नहीं है। आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो क्या बनता है, औ बनता है। आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ का निर्माण होता है। दोस्तों, कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे। वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हमने, सबसे पहले लिया महाधन औषधि। ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है वृद्धि स्वर संधि का, महाधन औषधि। महाधन औषधि, सबसे पहले देखो महा के अंत में क्या आया, बड़ा आ। औषधि में भी क्या आया, औ। दोनों मिलके क्या बन गए, आ और औ मिलके बना औ। तो ये क्या बन जाएगा, महौषधि। महान है जो औषधि, क्या कहलाएगी, महौषधि। क्या कहलाएगी, महौषधि। महान है जो औषधि। इसी प्रकार वन धन औषधि बराबर वन औषधि, जल धन औषधि बराबर जल औषधि, मंत्र धन औषधि बराबर मंत्र औषधि। ये उदाहरण मैं बार बार रिपीट नहीं करवाऊंगा क्योंकि एक जैसे एग्जांपल है तो आप भी लिख सकते हैं। आगे देखें, ये मैंने लिखा यहां पर जल धन ओक, जल धन ओक। अब जल मतलब तो जानते हैं कि पानी होता है, ओक मतलब हाथों की जो अंजुली होती है, जैसे हम पानी पीते हैं कहलाता है ओक, या हाथों की अंजुली। ये आ है यहां पर है ओ, दोनों मिलके क्या बन गया, ओ और ओ मिलके बना औ। क्या बनेगा, औ। और शब्द हो जाएगा आपका जलोक। क्या बन जाएगा, जलोक। जलोक मतलब जल की अंजलि। इसी प्रकार पुष्प धन ओक, पुष्प को हाथ में लिया, ओक में लिया और आपने किसी को समर्पित किया, मतलब पुष्पोक। क्या बन जाएगा, पुष्पोक। और देखिए दोस्तों, इसमें कुछ अलग तरह के एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर देव धन औदार्य, देव धन औदार्य, देव धन औदार्य, देव धन उदार्य। उदार्य मतलब उदारता। यहां पर है छोटा आ, यहां पर है औ, दोनों मिलके क्या बन गया, देवोदार्य, देवोदार्य, देवता की उदारता, देवोदार्य, देवता की उदारता। क्या कहलाएगी, देवोदार्य। इसी प्रकार और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कन्यादन ओदनम, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। नंबर चार पर देखें, यहां पर औ बना है, ये बना औ। एक उदाहरण और देखें, कन्यादन ओदनम, कन्यादन ओदन। ओदन यानी भोजन भी होता है और दान भी होता है। तो यहां पर बड़ा आ और ये मिल गया ओ, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आ और ओ मिलके औ, और शब्द क्या हो जाएगा, ये कन्यादनम, कन्यादनम। प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। और ये थी हमारी वृद्धि स्वर संधि। आज हमने पढ़ी है दो संधियां, एक पढ़ी हमने गुण स्वर संधि, एक पढ़ी हमने वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों, आज स्वर संधि के इन तीन भेद को समाप्त करने के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।